कभी संसार में नहीं आते, जिसे परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है, उसके पाने का ओम तत्सत जो तीन मंत्र का जाप है, तीन प्रकार से त्रिविध है, नथिंग एल्स। अपुण्यात्माओं, इन ऋषियों ने ये तो ओम नाम तो ले लिया पूर्ण परमात्मा का जान के, जैसे श्री देवी भागवत में दुर्गा अपने आप कह रही है हिमालय राजा को कि वो परमात्मा उस ब्रह्म की क्या महिमा है, वो महिमा तो कह रही है अक्षर ब्रह्म की यानी अविनाशी परमात्मा की, और विधि लास्ट में बता रही है ब्रह्म की, और ओम उसका नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है, इसकी पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ बिगड़ गई बात सारी। इन सभी ऋषियों ने वेदों में ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और ये है ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष तीन परमात्मा कहे हैं, एक सर्वपुरुष, ये तो सर्वब्रह्म कहो चाहे सर्वपुरुष कहो, ये ज्योति निरंजन काल है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और सर्वपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 16वें श्लोक में गीता जी 15वां अध्याय में कहा है कि इन दोनों सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नाशवान हैं, इनके सथूल शरीर, जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। फिर तुरंत बाद कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो परमात्मा तो कोई श्रेष्ठ भगवान तक कोई और है जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, जो वास्तव भगवान कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। तो इनके बुद्धि में आया नहीं कि इसमें स्पष्ट लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया हुआ है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात उत्पन्न नहीं होता, वो कभी भी निराकार बताते हैं। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगा उसे सुनो, तो ये कौन सी इनकी आँख मिचकी थी, ये नहीं समझ माई कि वेदों से अलग भी कोई और ज्ञान है जिसको वेद नहीं बता पा रहे, तत्वदर्शी संत भी बताएगा। तो इन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, और जिससे आज तक डड़े ढो रहे और ढुहा रहे हैं, हमारे से ढुलवा रहे हैं। इसी आधार से ऋषियों ने डड़े डोए, तप करे हठ योग करे आकाशवाणी परमात्मा की जान के थी वा काल की, और वेदों से ओम नाम उससे सिद्धियां आ गई। और जब वो साधना कर रहे थे तो किसी को तो इस काल ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिया, तो जो साधक साधना कर रहा था उसने समाधि दशा में परमात्मा साक्षात हुआ तो ब्रह्मा जी के रूप में, और बोला कि बोल क्या मांगता है, एक दो अड़दी की गांठ देती सिद्धि, वो खुश हो गया और वापस समाधि टूट गई। ब्रह्मा जी के पास आया, आप ही परमात्मा हो, आप ही सर्वेश्वर हो, आप सारी सृष्टि के रचनहार हो, और मैंने समाधि दशा में आपके दर्शन पाए हैं, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, सब 20-30-50-100 भक्तों को बता दिया ये खुद भगवान है। अब ब्रह्मा जी फूक कूप कर दोनों फूल का कूपा हो गए कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि ऋषि ने कह दिया। ऐसे 10-20 ऋषियों को ऐसे काल ने प्रेरित कर दिया। उधर से इस काल ने प्रतीक्षा कर रखी है कि मैं अपने रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और ये चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के रूप में दर्शन देता है। जैसे किसी साधक ने साधना की हठ योग किया, उसको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए और पूछा बोल क्या मांगता है, एक अड़दी की गांठ उसने दे दी, एक सिद्धि उसको दे दी। जैसे अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डड़े ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली कि सागर पी लूँ सारा, सातों समुद्रों को पी जाऊँ, और वो उसने कलाबाजी दिखा के प्रभु पाकी का स्वर जयकार होगी कि एक घूंट में अगस्त ऋषि जी ने सारे सातों के सातों समुद्रों को पी लिया, हो गया आंडी पाक गया, फिर के हो गया पी लिया थे, हो गया अमृत पानी के पीणते, थोड़ा पी लेते सारा पी ले, बात यहाँ बिगड़ी रही। तो ऐसे ही फिर इसने विष्णु रूप में दर्शन दिए इस काल ने, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा। आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट पढ़ा, फिर देख लीजिए बच्चों ये एक किस्म का लेक्चर है,
और आप स्टूडेंट हैं, आध्यात्मिक विद्यार्थी हो और दास एक आध्यात्मिक टीचर है, आपको सारा सिलेबस उंगलियां पर अटवा दूंगा, कुछ दिनों में देख लेना। ये वही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 25-26 में ये स्पष्ट कह है कि मैं किसी के सामने को नहीं आऊं, मन ने कसम खा रखी है, मेरा अटल संविधान है, अनुतम घटिया सिद्धांत है मेरा। 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखिएगा 24वें श्लोक में, अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे, ये बेबुद्धि के यानी बुद्धिहीन प्राणी मुझ अव्यक्तम को व्यक्ति मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, कृष्ण रूप में आया मानते हैं, परम भावम अजानत मम अवयम अनुतमम। ये लिखा है बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम माने घटिया, अविनाशी माने अटल, इस परम भाव को न जानते हुए अव्यक्तम, अव्यक्त माने जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं उसमें वो छुप जाता है, अव्यक्त हो जाता है, लेकिन वहाँ साकार रूप में विद्यमान होता है। इन्होंने ये गलत किया है, मन इंद्रियों से परे मूल सच्चिदानंद परमात्मा माँ को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये काल बोल रहा है और अभी तक अनुवाद करता इन्होंने सोचा करते कृष्ण कह रहा है कि मैं मनुष्य को ना, कृष्ण जी तक खड़े थे मनुष्य रूप में। ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया अविनाशी माने अटल परम भाव को नियम को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मुझ अव्यक्तम अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझ अव्यक्त को मुझ छुपे हुए को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मुझे व्यक्ति भाव में यानी मनुष्य रूप में कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, श्री कृष्ण में बोल रहे थे। अब 25 में स्पष्ट होगी ये कहानी, देखिएगा 7वें अध्याय की। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, स्पष्ट कर दिया, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं सबके सामने नहीं आता। तो आकार में तो है, छुप रहा है अपनात्मो। अब इस अध्यात्म ज्ञान को बड़ा आसानी से समझा जाएगा। तो ये इसके कर्म और जन्म ऐसे अलौकिक हैं कि मैं सबके सामने नहीं आता, और ये अज्ञानी जन समुदाय ये मूर्ख मेरे अटल घटिया सिद्धांत से परिचित नहीं है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, अपना वास्तविक रूप में मैं छुपा रहता हूँ। इसलिए इन ऋषियों को इस काल ने ही अपने पुत्र किसी को विष्णु जी के रूप में दे दिया और किसी को शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए, वो शंकर जी को भगवान सर्वेश्वर महेश्वर कहने लग गए, कोई विष्णु जी को दर्शन दिए तो विष्णु जी को महेश्वर सर्वेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कहने लग गए। उधर से विष्णु जी इस बात से और प्रभावित हो गए, खुशी मनाई कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि इस देव ये ऋषि कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है, 100 ने ऐसा प्रमाण दे दिया। तो इन दोनों को भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। इस आधार से एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, कहा कि मैं तेरा बाप आया हूँ बेटा विष्णु, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार क्यों नहीं करता। विष्णु बैठे बैठे से सैया पर कहते हैं कि आजा बेटा, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, मैं तेरा बाप हूँ, और बाप के सामने तू एक कैसे बोल रहा है। इस बात पर दोनों का लठ बाज गया, दूतम जूता फिर हथियार निकाल लिए, फौज सेना आएगी, लग गए लड़न बलकें की तरह। अब दास ये एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कितने ढेर सारी कथाएं प्रमाण देने पड़ रहे हैं। क्या मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई,
ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन मोहि करता भाई। और जैसा कि आपने इस शब्द में सुना, ऋषि मुनि निराकार बतावे साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आपे गाई जीव कहें भगवान तने। अपने आप तो भगवान बन बैठा, भगवान को भुला दिया तूने। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पुराणों दिखाते हैं कि ये काल कहता मैं करता हूँ और करता नहीं है, और विष्णु और ब्रह्मा जी को कहता है तुम भगवान नहीं हो। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक, और ये कहाँ से प्रकाशित है, इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों हैं। श्री शिव महापुराण ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई इतने इतने। अथ श्री शिव महापुराण भाषा टीका सहितम प्रारंभते प्रारंभते। इसके देखिएगा, ये देखना, ये है पृष्ठ 11 पे विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 6 में, यहाँ से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी लेटे हुए थे। उस समय देखियो वे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ये ब्रह्मज्ञानी पूछा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, यानी सोए पड़े हो। हे वत्स, हे पुत्र, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन अंदर से तो पूरा गुस्सा ऊपर तक प्रकट ना करते हुए के बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों हो रहा है, पंकर क्यों हो रहा है? वो गुस्से हो रहे थे ना, आँख चौड़ी जुगर जो टेप बैल गुड़ने से पहले टेढ़े टेढ़े देखा कर, कहते हैं वक्र क्यों हो रहा है तेरी आँख और मुंह टेढ़ा क्यों कर रहा है, तू नाराज क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लग गए। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और फिर देखिए आगे, तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तो लठ बजावे हैं, और ये सारे देवता विमान में बैठ गए और उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए, और आकाश से उन पर फूल बरसाने लगे। हुआ रे देवताओं, जो कर जोटिया न गुड़ा करें पशुआ न गामा में बैलों को, और कर हुर 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 लड़ो, ये देवता ऊपर तो आकाश फूल बरसावे न, कहना तेनों चाहिए था देवताओं तुम लड़ोगे तो हमारा क्या हाल होगा, कम शांति रखो, उनका छोटा बीच बचाव करना चाहिए था। अरे हमारे देवता ऊपर तो फूल बरसावे, अब विमान में बैठ गए। ये देखिए वाह जी वाह, अब कहने का भाव हमारा ये है
अब पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ कोई दास ने नहीं लिखे, ये सदग्रंथ 5500